हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नगेंद्र थलोर। पिछले वीडियो में हार्ट रेट तेज रहने का एक कॉमन कारण डिस्कस किया था, साइनस टेकिकार्डिया। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक दूसरे कारण की, जिसका नाम है इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया। इन अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो हार्ट रेट बढ़ना ये एक नॉर्मल अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है। किन जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं या हल्का सा भी काम करते हैं और हार्ट रेट एकदम से बहुत तेज बढ़ती है आपकी और लगातार बढ़ी हुई रहती है, वो हो जाता है इन अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया का मतलब है कि आपकी हार्ट रेट लगातार 100 से ज्यादा रहती है, आप रेस्ट में रहते हैं, आपकी एवरेज 24 आवर की जो हार्ट रेट है मोर देन 90 बीट चलती रहती है, साथ में आपके सिम्टम्स भी रहते हैं और आपकी हार्ट बीट तेज क्यों चल रही है इसका कोई भी कारण नहीं मिलता। तीनों सिम्टम को मिला के बन जाता है इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया। इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया का क्या कारण है, इसका कोई भी ऐसा कोज कुछ मिला नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि जो साइनस नोड है जहाँ से इम्पल्स निकलती है वो और एक्टिव हो जाता है, उसकी ऑटोमेटिसिटी बढ़ जाती है, इसलिए वो बीट ज़्यादा गति से फायर करता रहता है। दूसरा कारण ये मानते हैं कि हार्ट में जो बीटा रिसेप्टर होते हैं उनकी सेंसिविटी बढ़ जाती है और वो सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तीसरा कॉज है वेगल डिनर्वेशन, यानी आपकी वेगल टोन कम हो जाती है और सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाती है। इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, आपको पाल्पिटेशन रहेगा, आपका हार्ट बीट तेज फील होएगा, आपको डिजीनेस रहेगा, थकान रहेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस रहेगी, यानी जैसी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं वो एक्टिविटी आप प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे, चेस्ट डिसकम्फर्ट रहता है, हेडेक हो सकता है। इन सिम्टम के साथ साथ में कई बार ये भी देखा गया है कि जो इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया है उन पेशेंट्स को कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा भी रहता है। इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया को डायग्नोसिस कैसे करना है, ये है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि जो भी टेकिकार्डिया के कारण रहते हैं, जैसे पेन, फीवर, हाइपरथायरॉयडिज्म, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, कोई ड्रग्स है, कोई भी ऐसा कारण है जो सबको आपको रूल आउट करना है कि कोई भी कारण आपको नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तो उसको बोल दिया इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया। तो सबसे पहले जो भी कॉज है उनको रूल आउट करना है। दूसरा टेस्ट रहता है होल्टर मॉनिटर करवाना रहता है। होल्टर में 24 आवर की एवरेज हार्ट रेट उसमें आ जाती है, तो यदि होल्टर में एवरेज हार्ट रेट मोर देन 90 बीट पर मिनट चल रही है तो वो इंडिकेट करता है इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया को। तीसरा टेस्ट है टीएमटी और स्ट्रेस टेस्ट। जैसे टीएमटी स्टार्ट करेंगे पेशेंट्स की हार्ट रेट एकदम से 120, 130 बढ़ेगी और वो 60 सेकेंड से लेकर 90 सेकेंड में ही इतनी बढ़ जाएगी, जो कि इन अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है इको करके देखना है, इको में कोई भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं हो जो टेकिकार्डिया करती हो। डायग्नोसिस के बाद में इसको ट्रीटमेंट करने के लिए को अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। जो लोग कैफीन लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं, उन सबको बंद करना है। डेली योगा मेडिटेशन करना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करना है। इनके बाद में सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट रहता है ड्रग्स का। जैसे कि देखा था कि साइनस टेकिकार्डिया के लिए बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं, इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया में भी ये दोनों ड्रग यूज की जाती हैं, लेकिन आजकल जो नई स्टडी आई है उनके अनुसार एक दूसरी ड्रग है जिसका नाम है इवाब्रेडिन। इवाब्रेडिन का अच्छा रोल है इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया में। ये आपकी हार्ट रेट को कम करता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट इसमें नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि आपका बीपी फॉल होना या फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेडीकार्डिया हो जाना, ऐसा इसमें नहीं होता है। और ये ड्रग आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म और ब्लड ग्लूकोज पे भी कोई असर नहीं करती है, इसलिए नई स्टडी के अनुसार इवाब्रेडिन ड्रग यूज की जाती है इन अप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया पेशेंट्स में। लेकिन जिनको प्रेगनेंसी है या जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वो ये ड्रग ना लें। ड्रग्स के बाद में तीसरा ट्रीटमेंट रहता है सर्जरी या कैथेटर एब्लेशन का। जिन पेशेंट्स का टेकिकार्डिया कंटिन्यूस ज़्यादा रहता है तो उनको सर्जरी करके या कैथेटर से एब्लेशन करके साइनस नोड है जहाँ से इम्पल्स निकलती है उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, ताकि वो जहाँ से इम्पल्स निकल रही है उस जगह को वो हटा दें। लेकिन सर्जरी और एब्लेशन में कई बार इनके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, जैसे परमानेंट साइनस नोड डैमेज हो गया तो परमानेंट पेस मेकर की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए सर्जरी और कैथेटर के ऑप्शन को लास्ट में माना जाता है। जब कई बार ये भी है कि जो इनअप्रोप्रिएट साइनस टेकिकार्डिया रहता है उन पेशेंट्स को कुछ एंजाइटी या पैनिक अटैक रहते हैं जिसके कारण भी ये हो सकता है, तो उस केस में कुछ एंजियोलाइटिक या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है।
एक दूसरी सिमिलर कंडीशन है जिसमें आप जैसे लेटे हुए हैं या बैठे हैं तो आपकी हार्ट रेट नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे ही आप खड़े होते हैं आपकी हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाती है और 30 पॉइंट से भी ज़्यादा वो बढ़ जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं पोर्स और पोस्टुरल ऑर्थोस्टेटिक टेकिकार्डिया सिंड्रोम। उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।